आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उसे समझने से पहले हम कुछ महान व्यक्तियों के कहे गए बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। लाओ त्ज़ू ने कहा था, अपने विचारों को देखो, वे आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों को देखो, वे आपके कार्य बन जाते हैं। अपने कार्यों को देखो, वे आपकी आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों को देखो, वे आपका चरित्र बन जाते हैं। अपने चरित्र को देखो, यह आपका भाग्य बन जाता है। स्वामी विवेकानंद जी, चीन के महान फिलोसोफर लाओ त्ज़ू, भगवान गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्ति ने हमेशा ही व्यक्ति के विचारों को महत्व दिया है, क्योंकि वे जानते थे कि कोई भी व्यक्ति जैसा विचार करता है वैसा ही बनता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसी पर आधारित है। आकर्षण का नियम ऊर्जा से संलग्न है। जिस प्रकार की ऊर्जा को आप बाहर छोड़ेंगे, ऐसी ही ऊर्जा आपके पास लौट कर आएगी। आगे आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके साथ नेगेटिव होता है। अगर आप किसी वस्तु में प्रबल सोच रखते हैं तो आकर्षण के नियम अनुसार वह हकीकत बनकर आपके पास आएगी। यह हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रभावी है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इससे वाकिफ है। हम हमेशा ही कुछ न कुछ विचार करते रहते हैं। हम जब भी कोई विचार करते हैं तब एक ऊर्जा को बाहर छोड़ते हैं, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, और यह आपके विचार पर आधारित है। आकर्षण के नियम का इतिहास। आकर्षण का नियम काफी पुराना है। भगवान बुद्ध का एक कोट्स है, हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। आकर्षण के नियम में भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई बात निहित है। यह आकर्षण की अवधारणा कई वर्षों से लोगों के बीच में किसी न किसी प्रकार लोकप्रिय रही है। कर्म भी कुछ इसी पर ही कार्य करता है, जैसे कि जब भी कोई व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे बाद में उसी तरह का फल मिलेगा। अर्थात आकर्षण का नियम जो कि आज प्रचलित है, यह कई सैकड़ों वर्षों से अलग अलग रूप में लोगों के बीच प्रचलित रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से इसे बहुत ही कम लोगों को पता था। आइए अब जानते हैं कि आकर्षण का नियम कैसे कार्य करता है। हम सभी जानते हैं कि यह पूरा विश्व और ब्रह्मांड एक ऊर्जा से बना है। इसमें बनी सभी चीजें भी अलग अलग ऊर्जा के माध्यम से बनी है, और पूरे यूनिवर्स में सभी चीजें एक दूसरे से ऊर्जा के माध्यम से जुड़ी हुई है। अगर आज हम अपने करियर या अपनी परिस्थिति को गहराई से देखें तो वह अपने भूतकाल के विचारों का ही परिणाम होगा, यह देखा जा सकता है। जब भी हम किसी विषय वस्तु पर सोचते हैं तो एक कंपन को यूनिवर्स में भेजते हैं। यह कंपन हमारे विचारों जैसी वस्तु को हमारे सामने पेश करती है या हमको वैसी ही बनाती है। इस सिद्धांत को हम वास्तविक जीवन में खुद अनुभव कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल फोन के सिद्धांत को जानते हैं तो यह समझना काफी आसान होगा। जब भी आप किसी को फोन लगाते हैं तब जो नंबर को लगाते हैं वह एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होता है। आप जब भी डायल करेंगे तब उसी नंबर की फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हैं। यह फ्रीक्वेंसी ट्रेवल करके सही सही जगह पर कनेक्ट करती है और आपका कॉल सही जगह पर लगता है। हमारे विचारों का भी कुछ ऐसा ही है। हम जब भी सोचते हैं तब एक एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हैं। यह फ्रीक्वेंसी हमारे सोच के अनुरूप ही कहीं कनेक्ट हो जाती है। अगर हमारी इच्छा प्रबल हो तो उस विचार को हम हकीकत में प्रकट होते हुए देख सकते हैं। इसे समझने के लिए हम आगे कुछ उदाहरण भी देखेंगे। हाउ टू यूज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के नियम से आप अपनी मनचाही वास्तविकता खुद बना सकते हैं। आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह वही है जो आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यहां हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण स्टेप को आपसे शेयर कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप आकर्षण के नियम का उपयोग कर अपनी मनचाही वास्तविकता बना सकते हैं। पहला, ध्यान। ध्यान हमें तनाव से मुक्ति देने में मदद करता है। दैनिक चिंताओं साथ ही मन को स्थिर करने के लिए ध्यान काफी उपयोगी बन सकता है। इससे मन और शरीर दोनों को राहत मिलती है। दूसरा, अपने ध्येय का निर्धारण करें। जीवन में सफल होने के लिए किसी ध्येय का होना आवश्यक है। आकर्षण के नियम ध्येय को केंद्र माना जाता है। एक बार जब भी आप इसे तय कर ले, उसके बाद से ही आपको यह स्वीकार लेना होता है कि आपका ध्येय पूरा हो चुका है। ये सबसे बेहतर तकनीक में से एक है। तीसरा, जर्नल। एक बार ध्येय निश्चित करने के बाद आपको जर्नल तैयार करनी चाहिए, जिसमें आप पूरे दिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन किन कार्यों को करते हैं और आगे भी करेंगे उसका विवरण होना चाहिए। दैनिक रूप से आपको इसे लिखना और ध्येय को प्राप्त करने के लिए लिखे गए कार्यों को करना चाहिए। चौथा, लुक फॉर द पॉजिटिव्स इन अ सिचुएशन। हमेशा सकारात्मक सोच रखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके विचारों पर आधारित है, इसीलिए आपको परिस्थिति कैसी भी हो हमेशा ही सकारात्मक बने रहना चाहिए। अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो उसका असर आपके ध्येय प्राप्त करने के कर्म पर दिखेगा। पांचवा, बी ग्रेटफुल। आभारी बने खुद के द्वारा की गई कोशिशों की सराहना करें। जब भी आप कोई भी कर्म करें और उसमें सफलता मिले या विफलता, लेकिन आपको अपने द्वारा की गई कोशिश के लिए खुद को आभार व्यक्त करना है।
यह आपके आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य करेगा। छठा, विजुलाइज अपने ध्येय को हकीकत होते हुए देखें। इसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक निश्चित समय को चुन लेना चाहिए। रात को सोने से कुछ क्षण पहले का समय इसके लिए सबसे बेहतर है। जब भी आप अपने बेड में जाएं, तब यह सोचें कि आपका ध्येय पूरा हो चुका है और आप उसका आनंद ले रहे हैं।